चैप्टर नंबर 5 रह गया। चैप्टर नंबर 5 छोटा है, ये लास्ट बुक में हुआ भी नहीं करता था, तीन चार एक्सरसाइजेस हैं, चार है, तो इतना बड़ा चैप्टर नहीं है ये। और ये जो टॉपिक है ये काफी काम का टॉपिक है, क्योंकि पहले सिंध बोर्ड के बच्चे इस नोटेशन से इतना वाकिफ नहीं हुआ करते थे, जो नोटेशन आप लोग अभी पढ़ने लगे हो। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, आगे जाके जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना तो ये नोटेशन काफी काम आ रही होती है, और हमारे सिंध बोर्ड वाले बच्चों को इतना पता नहीं होता था। तो ये अच्छा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। अब जो मुश्किल है ना वो ज्यादातर चैप्टर नंबर 6 ही है, आपके सारे जो मुश्किल चैप्टर है वो खत्म हो चुके हैं। सबसे मुश्किल चैप्टर चैप्टर नंबर 2 था आपका, चैप्टर नंबर 12 बड़ा मुश्किल था, चैप्टर नंबर 8 हो गया मुश्किल था शुरू की एक्सरसाइज उसकी, तो मुश्किल वाला फेस आपने तकरीबन कर लिया। 5 चैप्टर 7 चैप्टर बड़े इजी चैप्टर है और लंबे भी नहीं है इतने, हो जाएंगे। चैप्टर 6 थोड़ा फंसेगा क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल है, उसके लिए हम 1 महीना रखेंगे तकरीबन, और जितना आपको समझ आ जाए उतना अच्छा है, उससे आपका एक लॉन्ग निकलेगा एक शॉर्ट निकलेगा, तो उसको आप छोड़ के भी पेपर 100 नंबर अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। इसी तरह 5 भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन 5 के टॉपिक 6 के टॉपिक के टॉपिक यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा छोड़ने का। हाँ, जिसके हालात थोड़े खराब है, पढ़ा नहीं हो, छोड़ सकते हैं, लेकिन वैसे कर लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे आप लोगों ने सेकेंड ईयर भी करनी है, फिर यूनिवर्सिटी में भी जाना है, तो बेहतर है कुछ छोड़ो नहीं, सब करो पूरा बारह। तो चैप्टर नंबर 5 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 5 का नाम जो है वो मिसलेनियस सीरीज है, इसको लिखने से बेहतर है मैं बस चैप्टर नंबर 5 लिख देता हूँ। अच्छा, अब सवाल है कि चैप्टर में होगा क्या। देखो, आप लोगों ने अभी चैप्टर नंबर 4 किया है, चैप्टर 4 का थोड़ा सा मैं बता दूं। चैप्टर नंबर 4 में 2 पोर्शन हुआ करते थे, सीक्वेंस एंड सीरीज के। आपने मशहूर जमाना तो 3 सीक्वेंस पढ़ी है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, और अदरवाइज कुछ और भी आपने शुरू में 4.1 के अंदर सीक्वेंस देखी थी। तो सीक्वेंस क्या होती थी, लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, कोई एक पैटर्न रूल लॉजिक आपको उसके दरमियान नजर आया करती थी। फिर एक और कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था सीरीज का, ये वही सीरीज है जो आप लोग यहाँ भी पढ़ रहे हो। सीरीज क्या होती है, कोई भी आपके पास सीक्वेंस है उनकी टर्म्स को आपने ऐड कर दिया तो वो सीरीज बन जाती है। अब इस वाले टॉपिक में क्या है, मतलब सीरीज तो वहां भी आप पढ़ चुके हो, इसमें कौन सी अलग सीरीज पढ़ोगे, बिल्कुल अलग पढ़ोगे। पहले जब आप पढ़ते थे तो वो सीरीज अरिथमेटिक सीरीज होती थी, ज्योमेट्रिक होती थी, हार्मोनिक आपके पास आपके सब्जेक्ट में नहीं है, आपके चैप्टर में नहीं है, तो ये सीरीज हुआ करती थी जिनके फॉर्मूले आपको पता थे, आप आसानी से निकाल लिया करते थे। अब जो सीरीज पढ़ोगे ना वो ना अरिथमेटिक होंगी ना वो हार्मोनिक होंगी, वो थोड़ी अलग सीरीज है, और आपने क्या करना होगा, उनका सम निकालना होगा। मतलब पहले आप सम ही निकालते थे ना, अरिथमेटिक सीरीज का सम का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ज्योमेट्रिक सीरीज का सम का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। अब अगर इनके अलावा कोई सीरीज आ जाए उनको आप कैसे ऐड करोगे, तो आपको कोई ऐसा एल्गोरिथम चाहिए, ऐसा कुछ स्टेप्स चाहिए, या कोई ऐसा टॉपिक चाहिए जिसके जरिए से आप कोई भी सीरीज है उसको आप मालूम कर दो। तो अब वो आप देखोगे इस चैप्टर के अंदर के डिफरेंट सीरीज होंगे, आप उनका सम मालूम कर रहे होंगे। एक बेसिक बात आपको बतानी चाहिए जो मैंने चैप्टर नंबर 4 में भी क्लियर की थी, कि 2 जनरल टर्म के फॉर्मूले होते हैं। एक जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है जो आपको टर्म्स देता है, फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला है एन स्क्वायर, या बेसिक सी बात करते हैं एन, ये एन किसका जनरल टर्म का फॉर्मूला है, इस सीरीज का, या अच्छा वर्ड रहेगा सीक्वेंस का। ये जो आपके पास सीक्वेंस है ना, कॉमा लगा देते हैं फिलहाल, इस सीक्वेंस की जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या, सिंपल एन। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं आपको बोलूं 10वीं टर्म निकालो तो एन की जगह 10 पुट कर दो, 10वीं टर्म आ जाएगी। मतलब पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 2 है, तीसरी टर्म 3 है, तो 10वीं टर्म 10 होगी, 20वीं टर्म 20 होगी। तो ये जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको टर्म्स देगा, आप इसके अंदर एन की वैल्यू पुट करो ये आपको टर्म दे देगा, आप 20 पुट करोगे 20वीं टर्म आपको दे देगा। इसी तरह कोई और जनरल टर्म का फॉर्मूला कंसीडर कर लो, फॉर एग्जांपल एन प्लस 1, ये किस सीक्वेंस का, ये इस सीक्वेंस का जनरल टर्म का फॉर्मूला है। अब अगर आप एन, आपको पता है किसी टर्म क्या है, आप 4 है, तो आप एन की जगह 3 पुट करो, 3+1 क्या होता है, 4 के बराबर। तो कहने का मतलब एक तो फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का, जो आप एन की वैल्यूज पुट करते हो आपको पहली दूसरी तीसरी जो भी आपने टर्म बोली है वो आपको निकाल के दे देगा। एक फॉर्मूला होता है सम का फॉर्मूला, सम का जो जनरल टर्म का फॉर्मूला, जैसे यही है ना, अगर मैं इसको सीरीज बनाऊ और मैं बोलूंगा मुझे सम का फॉर्मूला बताओ, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐड कर दिया इसको, ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन सब जो टर्म्स है इनको ऐड कर दिया आपस में, जो इसकी जनरल टर्म है वो एन के बराबर, सबको जब ऐड करोगे ना तो इसका सम का फॉर्मूला ये आएगा। तो इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में फर्क है, ये फॉर्मूला आपको जनरल टर्म देगा, 1 पुट करोगे पहली टर्म देगा, 10 पुट करोगे 10वीं टर्म देगा, 20 पुट करोगे 20 टर्म देगा, इसको जनरल टर्म का फॉर्मूला बोलो। ये जो है ये सम का फॉर्मूला है। सम का फॉर्मूला क्या करता है, सम के फॉर्मूले में जब आप n की जगह 2 पुट करोगे ना तो ये शुरू की 2 टर्म का सम देगा आपको। आप यहाँ पे 2 पुट करके देखना, आंसर 3 आ रहा होगा। अगर आप यहाँ पे n की जगह 4 पुट करोगे तो शुरू की 4 टर्म्स का आपको सम देगा ये।
अगर आप यहां पे n की जगह 10 पुट करोगे तो शुरू के 10 टर्म्स का आपको सम देगा। तो फर्क इन दोनों फॉर्मूले में बेसिक फर्क आपको बता होना चाहिए, जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ये सम का फॉर्मूला है। तो हमारा जो गोल है ना वो ये निकालना है, ये जनरल टर्म निकालना हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है इस पूरी सीरीज जो है ना इसका सम आपने मालूम करना है। तो आपको एक फॉर्मूला चाहिए जिस फॉर्मूले में आप एन की वैल्यूज पुट करते जाओगे आपके पास सम आता जाए। अब अगर ये तो अरिथमेटिक है, मुझे पता है अरिथमेटिक के सम का फॉर्मूला निकालना कोई मुश्किल नहीं है, अरिथमेटिक के अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ा है सम निकालने का, तो मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करूंगा, देखना मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा क्योंकि ये अरिथमेटिक है। लेकिन हर चीज अरिथमेटिक नहीं होती। इसी चीज को मैं अगर इस तरह कर दो, लो भाई अभी अरिथमेटिक बनी नहीं है, आप चेक करके देख लो, इसको इस तरह भी लिख सकते हो ना 1 4 9 इस तरह जा रहा है। आप जरा इनमें कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो, सेम ही नहीं आ रहा। 4 और 1 में कॉमन डिफरेंस 3 है, 9 और 4 में कॉमन डिफरेंस 5 है। अब ये अरिथमेटिक नहीं है, इसका मतलब अगर अरिथमेटिक नहीं है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते तो क्या करें हम, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमें कोई दूसरी टेक्निक चाहिए जिसके जरिए से हम इसका सम का फॉर्मूला निकालें, वरना ये जो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक इसके बस की तो बात ही नहीं है, क्योंकि सीरीज अरिथमेटिक भी नहीं है ज्योमेट्रिक भी नहीं है, कैसे सम निकाले हम तो फंस गए। हाँ जनरल टर्म का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन उससे क्या करें, जनरल टर्म का फॉर्मूला तो आपको टर्म्स देगा ना, इन सब टर्म का सम के लिए हम क्या करें। मैं आपको बोलूं इसकी शुरू की 100 टर्म को ऐड करो, अब अगर आप मैनुअली ऐड करोगे तो आपका टाइम लग जाएगा पूरा, और आपको भी फॉर्मूला चाहिए, लेकिन आप फॉर्मूला कैसे निकालें, इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका ही नहीं है हमारे पास। इस टाइप का कोई फॉर्मूला आ जाए ना कि जिसमें एन की जगह 100 पुट करो तो शुरू की 100 टर्म का सम आ जाए, लेकिन हमें फॉर्मूला ही नहीं पता इसका। इसका मतलब आपको ऐसी टेक्निक भी मालूम करनी है जिस टेक्निक से आप इसके सम का फॉर्मूला निकाल दो, जैसे ही फॉर्मूला आ जाएगा आपका मसला हल, आप एन की वैल्यूज पुट करते जाओगे आपको उतनी टर्म्स का सम मिलता जाएगा। That's why topic chapter number 5 में आपने पढ़ना है। ये मैंने थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया क्या करोगे क्या चैप्टर 5 के। अब ये करने से पहले आपको एक नोटेशन के बारे में बताना चाहिए जो कि पहले सिम बोर्ड के बच्चों को इतना उनका वास्ते नहीं पड़ता था इतनी नोटेशन से, इससे वो होती है सिग्मा नोटेशन। इसको आप कहते हो सिग्मा नोटेशन। एक सिग्मा आपने पढ़ा है जो फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, वो ये वाला सिग्मा होगा, ये किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता था फिजिक्स में, मेरे जहन से निकल गया। मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में, इलेक्ट्रिक चार्जेस के चैप्टर में शायद किसी चीज को रिप्रेजेंट करता था, मेरे जहन में याद नहीं किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये सेकेंडर फेज की बात करो, फर्स्ट ईयर फेज में शायद नहीं है, सेकेंडर फेज के अंदर है। तो ये होता है छोटा सिग्मा, जैसे आपका इंग्लिश होती है ना छोटा अल्फाबेट स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, वही सीन है। ये भी सिग्मा है लेकिन ये स्मॉल ग्रीक, जो आप ये लेटर्स पढ़ रहे हो ग्रीक की जो लैंग्वेज है उनके लेटर्स होते हैं सारे, अल्फा बीटा गामा और वो क्या कहते हैं वो भी पढ़ते हो ना, फाई पढ़ते हो म्यू पढ़ते हो, ये सब जो है ग्रीक है। तो ये स्मॉल लेटर है, इसका जो कैपिटल लेटर सिग्मा है ना वो ये वाला जो आपको थोड़ा ई जैसा लगेगा, ये नोटेशन बड़ी काम की है, ये आपको बतानी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, जरा मतलब समझते हैं कि अगर आप ऑब्जर्व करो ये चीज आपने पूरी लिखी हुई है तो थोड़ा सिंपल समझते हैं हम कि आपके पास एक ये हमेशा उस वक्त आप यूज करते हो कि आपके पास एक सीरीज है, पूरी बड़ी सी एक सीरीज है, उसको आसान लैंग्वेज में इस तरीके से आप लिख देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कोई बेसिक सा डिस्कस करते हैं अप टू 5 टर्म्स, ये मैं कह रहा हूं ठीक है, आपने सीरीज को ऐड करना है 5 टर्म्स के लिए। 5 टर्म्स का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इतना करना है आपने। अब इतना लंबा लिखना है, फॉर एग्जाम्पल 10 टर्म कर दो 20 टर्म कर दो। अब ये अगर आप मैनुअली लिखोगे तो 20 टर्म 20 टर्म 30 टर्म 40 टर्म तक आप पूरा लिखोगे मजा नहीं आएगा, इस तरह लिखोगे तब भी मजा नहीं आ रहा। इसकी बहुत ही शॉर्ट नोटेशन है कि अगर ये पूरी सीरीज आपने लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके आगे 50 लगा दूं, 50 टर्म तक सम करो आप इसको, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा। सम तो चलो बाद में देखते हैं, लिखने का तरीका इसका क्या होगा, एक अलग हम मेथड पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को फैक्टोरियल के बारे में बताया था यार, अगर आपको लिखना है 9 × 8 × 7 करते 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 × 2 × 1, अब इतनी बड़ी चीज लिखने से बेहतर है कि आप क्या लिख दो 9 factorial, दैट्स इट। ये जो आपके इंग्लिश में पता नहीं वो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन कहते हैं शायद इसको, ये जो सिंबल जो है ये खुद ही इस सब चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितना आसान है आपका लिखना, आसानी से आपने लिख दिया। तो सेम इस चीज को लिखने के लिए आप ये नोटेशन यूज करते हो। ये नोटेशन आपसे क्या डिमांड करती है, या आपको कहती है कि जिस सीरीज को आप लिखना चाह रहे हो ना उस सीरीज की जनरल टर्म मुझे बताओ। सम की जनरल टर्म नहीं, मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया, ये नहीं मैं बता, ये पूछ रहा है आपसे इस सीरीज की जनरल टर्म क्या है। तो आप अगर इस सीरीज को देखो, इसकी जनरल टर्म एन है सिंपल, पहली टर्म 1, दूसरी टर्म 2, तीसरी टर्म 3, दसवीं टर्म 10, तो इसकी जनरल टर्म क्या है, एन के बराबर। तो जनरल टर्म है वो आप यहाँ पे लिखते हो, उसके बाद ही आपसे पूछेगा ठीक है भाई आपने जनरल टर्म बता दी मुझे,
उसके बाद आपसे पूछेगा भाई कहां से लेके कहां तक सम करना है, ये भी तो मुझे बताओ। तो आप कहोगे फॉर एग्जाम्पल पहली टर्म से आपने स्टार्ट होना है और 50 टर्म तक सम करना है उसको। अभी आप पे डिपेंड करता है, बिल्कुल आपको बोला जाए कि एक सेकंड साइलेंट कर दूं मैं, अगर आपको बोला जाए कि फॉर एग्जाम्पल आपने यही सीरीज दी हुई है, लेकिन आपको बोले कि यार एक सीरीज है इसमें आपने पहली टर्म से सम नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल एक सीरीज है इसमें आपने 10वीं टर्म से लेके 50वीं टर्म तक सम करना है, आपने 10 से लेके जो 50वीं टर्म है उस तक आपने सम करना है, तो आप क्या करोगे 10 से आपने स्टार्ट करना है और 50 टर्म तक जाना है। तो इस फॉर्मूले की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एन वन से मतलब पहली टर्म से ही मैं सम दूंगा, नहीं कहीं से भी आप सम लेना चाहो। आप तो कहना चाह रहे हो कि 10 टर्म्स का मुझे सम चाहिए 10 से लेके 20वीं टर्म तक 50वीं टर्म तक, तो जो लोअर लिमिट होगी इसकी वो 10 होगी, जो अपर होगी वो 50 होगी। और ये वर्क कैसे करेगा, ये वर्क इस तरह करेगा, सबसे पहले हम बेसिक के डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहले क्या करेगा, एन की जगह वन पुट करेगा, ये जो जनरल टर्म है ना इसमें सबसे पहले एन की जगह वन पुट करेगा, फिर अभी एक और जंप मारेगा, ये एक यूनिट का जंप मारता है, जब एन वन पुट किया अब टू पुट करेगा, इधर टू पुट करेगा एन की जगह तो टू हो जाएगा, फिर एन की जगह पे थ्री पुट करेगा, और इन सब टर्म्स को क्या कर रहा होगा आपस में ऐड कर रहा होगा। ये सिग्मा नोटेशन यूज ही होती है समीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, समीशन को, सम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप नोटेशन यूज करते हो। तो ये क्या करती है, ये जनरल टर्म में एन की वैल्यूज पुट करती जाती है और जो टर्म्स आते हैं उनको ऐड करती जाती है। तो कहां तक आपने जाना है, 50 टर्म तक, तो डॉट 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 अप टू जो आखिरी टर्म होगी वो क्या होगी, 50 होगी। तो इतनी बड़ी चीज को लिखने के लिए एक स्मॉल सी नोटेशन है, आप ये लिख दो इसका मतलब क्या है, ये इसका पूरा मतलब है। और आपके कैलकुलेटर में भी बटन मौजूद है, कैलकुलेटर में सिग्मा वाला बटन मौजूद है, आप जनरल टर्म लिखो, सिग्मा जो कैलकुलेटर है उसमें एन नहीं होता, उसमें एक्स लिख देना। एक्स कहां से आता है, अल्फा का बटन दबा के, अगर आप नीचे एक बटन होता है जिसके ऊपर एक्स लिखा हुआ होता है अगर वो दबाओगे तो एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स लिखोगे, यहाँ पे एक्स की लिमिट होंगी, तो आप लिखना एक्स वन से लेके 50 आ जाएगा आराम से। तो ये वो सिग्मा नोटेशन है जो आप सम के लिए रिप्रेजेंट करते हो, लिखते हो, काफी आपका इजी हो जाता है, इस तरह रिप्रेजेंट करना आसानी हो जाती है आपको इसमें। अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा पॉइंट है वो आपको समझाना चाहिए कि कितनी दफा ऐसा होता है कि जब आप सीरीज लिखते हो ना तो आपको बोला जाता है एन टर्म्स तक, आपको ये नहीं बोलता कि 50 टर्म तक 60 टर्म तक, नहीं बोलेंगे एन टर्म्स तक। जैसे यही सवाल है, मैं एक सीरीज दूं आपको, बोलूं कि सीरीज को ऐड करो एन टर्म्स तक, अब वो एन कुछ भी हो सकती है, 20वीं 30वीं 40, मैंने जनरलाइज बात की है। ये सवाल आपने चैप्टर नंबर 4 में बहुत दफा देखोगे, एन टर्म्स तक जिक्र कर रहे होते हैं, एग्जैक्ट आपको बताएंगे नहीं कि 10वीं टर्म 20वीं टर्म, नहीं बोलेंगे एन टर्म्स तक। तो अब सवाल ये कि स्टार्टिंग लिमिट कहां से होगी, 1 से, पहली टर्म से आपने स्टार्ट करना है, एंड कहां पे करना है, आखिरी टर्म जो है वो एंड टर्म है। अब आपको नहीं पता वो एंड टर्म क्या होगी, आपको तो नहीं पता क्या लिखोगे यहाँ पे, एंड टर्म लिख दोगे। मैं काम करूं सीरीज थोड़ी चेंज कर देता हूं, आप लोग ये ना समझो कि इसका स्टार्टिंग 1 है या इसकी जनरल टर्म एन है तो जनरल टर्म ऊपर आती है, नहीं, ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक और आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाली लिख देते हैं 2 3 4 अप टू एन टर्म्स। अभी सीरीज दी गई है आपको, आपको नहीं बताया हुआ कहां तक आपको इसका सम करना है, जनरलाइज बात की गई है एन टर्म्स तक आपने करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उसकी जनरल टर्म निकालोगे, जब आप इसकी जनरल टर्म निकालोगे देखना एन प्लस वन आ रही होगी, तो जनरल टर्म आप हमेशा यहां पे लिखते हो, जनरल टर्म लिख दे, फिर कहां से लेके पहली टर्म से आपने स्टार्ट होना है, पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, तो स्टार्ट आपने पहली टर्म पे होना है और कहां तक जाना है आपको नहीं पता, भाई एन टर्म्स का आपको बोला है तो आपने एन टर्म्स तक जाना है। अब ये जो सिंबल है ना पूरा, ये थोड़ा दिखने में अजीब लगेगा, मैं बताता हूं क्यों अजीब लगेगा। आप सबसे पहले एन की जगह वन पुट करोगे, यहाँ पे एन की जगह वन पुट करोगे, वन प्लस वन क्या होता है, टू होता है, एन की जगह टू पुट करोगे, टू प्लस वन थ्री होता है, एन की जगह थ्री पुट करोगे फोर होगा, ये सबको ऐड करना होगा। अरे चलते जाना है अब टू कहां तक, आखिरी नंबर क्या है, आखिरी नंबर एन है। आप कहोगे सर एन की जगह पे एन पुट करना है, अब ये मजा नहीं आ रहा, एन की जगह पे एन पुट करना है क्या मतलब इसका, तो जब आपकी जो अपर लिमिट है ना उसमें एन आ रहा हो, मतलब जो आपकी जनरल टर्म है उसमें भी एन आ रहा है, अपर लिमिट में भी एन आ रहा है, तो वो चीज दिखने में अच्छी नहीं लगती आपको, यार आखिरी टर्म में आपने एन की जगह एन ही पुट करना है, तो मजा नहीं आता। तो दैट्स व्हाई ये वो चीज है जो इतनी आपको मिलेगी नहीं, लेकिन छोटा सा पॉइंट है बस ये कि जब ये वाली सिचुएशन हो कि जब आप एन टर्म्स तक जाते हो तो फिर आप एक काम करते हो, अपना वेरिएबल चेंज कर देते हो। क्या मतलब, आप एक काम करोगे, आप यहाँ पे एन की जगह ना के पुट कर दोगे, क्योंकि सवाल में आपको बोला है एन टर्म्स तक आपने जाना है, तो ये तो आप छेड़ नहीं सकते, बुक वालों ने बोला एन टर्म तक जाना है, तो आप क्या करते हो वेरिएबल चेंज कर देते हो, जनरल टर्म में यहाँ पे के लिख देते हो और यहाँ पे भी के लिख देते हो। अब देखो अब ये बात लॉजिकल लग रही है, कैसे, आप के की जगह वन पुट करो, वन प्लस वन टू, फिर टू पुट करोगे थ्री आएगा, थ्री पुट करोगे फोर आएगा, और आखिरी टर्म में क्या होगा,
आखिरी टर्म में आप क्या करोगे, k की जगह पे n पुट कर रहे होगे, तो आपके पास क्या आएगा, n प्लस 1 आएगा। अब ये बात आपको लॉजिकल लग रही है, n की जगह मैंने n पुट, k की जगह पे मैंने n पुट किया। तो कहने का मतलब जब आप n टर्म्स तक जा रहे होते हैं ना, तो नॉर्मली आप देखोगे यहाँ पे k नजर आ रहा होगा, बुक में भी आपको नजर आ रहा होगा। उसकी वजह ये कि नॉर्मली हम फिर चेंज कर देते हैं, क्योंकि फिर अजीब लगता है ना कि आप n की जगह n पुट कर रहे हो, तो इस तरह भी लिखा जाता है। तो दोनों नोटेशन है, दोनों तरीके से आप बात कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपको ऊपर वाली चीज जो है वो कोई नंबर लिखा हुआ है तो फिर n ही आप रहने देते हो, लेकिन अगर ऊपर n लिखा हुआ है तो फिर आप वेरिएबल चेंज कर देते हो। ठीक है, जैसे ये चीज जो है ना, ये सीरीज का पूरा फॉर्मूला है, इसको मैं कैसे लिखूंगा इस नोटेशन के अंदर, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। सबसे पहली बात, जनरल टर्म क्या है, इसकी जनरल टर्म n है। स्टार्ट आपने क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है। जाना कहां तक है, इसमें आपको बोला हुआ था कि n टर्म्स तक आपने जाना है। अब अगेन n टर्म्स का बोला गया, मैं ऊपर n लिखूंगा तो अजीब लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा, यहां पे k तो यहां पे भी k। तो ये जो पूरी चीज है ना, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा कि k की जगह 1 पुट करो, k की जगह 2 पुट करो, k की जगह 3 पुट करो, अप टू k की जगह आपने क्या पुट करना है, n पुट करना है। तो ये जो पूरी चीज है, इसको आप एक आसान फॉर्म में क्या लिखोगे, इस फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, और इसके सम का फॉर्मूला क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका मैं भी आप लोगों को पूरा करवाऊंगा डेरिवेशन। तीन फॉर्मूले हैं जो बेसिकली मैंने आप लोगों को करवाने हैं, लेकिन अभी मेरा फोकस है, पहली दफा अगर आप लोग ये पढ़ रहे हो तो नोटेशन आपको समझ आनी चाहिए कि इस नोटेशन का करना क्या होता है। नोटेशन से रिलेटेड मैंने सारी बातें आपको बता दी। अब आखिरी बात है, फिर कोई सवाल तो पूछ लेना, वो ये है कि ये चीज मैंने लिखी नहीं ना, ये आप इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो आखिरी चीज है वो एन टर्म्स तक आपने यहाँ पे जाना है, तो हम प्रेफर करते हैं कि वेरिएबल, मतलब कि आपने इसको डमी वेरिएबल भी कहते हैं, कि आपने अपनी तरफ से के कर दिया है यहाँ पे। आप इस तरह भी लिख सकते हो और इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप लोग कहोगे सर इसके ऊपर और नीचे कोई लिमिट ही नहीं है। भाई जो सिग्मा नोटेशन है ना, जरूरी नहीं है कि इसमें ऊपर और नीचे लिमिट्स गिवन होंगी। अगर आपको खाली इस तरह सवाल दिया जा रहा है, इसका मतलब भी आपको आना चाहिए। जब खाली आपको सिग्मा नोटेशन दी जाती है और साथ जनरल टर्म दी जाती है और आपको ये गिवन नहीं होता लिमिट्स क्या है, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या होता है कि आपने 1 से स्टार्ट करना है और n टर्म्स तक जाना है। जिस भी सीक्वेंस की बात की जा रही है, कोई भी जनरल टर्म का यहाँ पे फॉर्मूला होगा, बाय डिफॉल्ट इस नोटेशन का मतलब ये होगा कि आपने 1 से स्टार्ट करना है। मतलब एज्यूम कर लो कि नीचे 1 लिखा हुआ है और ऊपर n लिखा हुआ है, ये एज्यूम कर लो। इस नोटेशन का मतलब ये होता है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऊपर नीचे, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है कि पहली टर्म, मतलब 1 से आपने स्टार्ट होना है और कहां तक जाना है, n टर्म्स तक जाना है। तो अब चूंकि लिखा हुआ नहीं होता ना, तो इसमें वेरिएबल को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। या तो अगर लिखा हुआ होता ना, तब आप वेरिएबल चेंज करते हो या कोई मसला होता है। तो इस नोटेशन में बाय डिफॉल्ट इसका मतलब यही है, पहली टर्म से अप टू एन टर्म्स। तो इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। हम प्रेफर करेंगे इस चीज को, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा बचेगा। जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये बार बार सिंबल आप लिख रहे होगे, तो इस तरह लिखने में हमारा थोड़ा टाइम लगेगा। हम प्रेफर करेंगे हम इस तरह लिख दें। ठीक है, तो इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, इसका फॉर्मूला इसके बराबर है। अभी कहां से आया, अब इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के दो तरीके। एक तो तरीका अभी आप लोग चैप्टर 5 वाला पढ़ोगे, और एक आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था अरिथमेटिक सीरीज के जरिए से, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था। दोनों तरीके से फॉर्मूला आ सकता है, लेकिन इसके बाद भी जो सीरीज पढ़ोगे ना, वो अरिथमेटिक नहीं होगी, तो वहां पे ये तरीका फेल हो जाएगा। जो इस वाला तरीका है वही आप अप्लाई कर रहे होगे। तो एक ही तरीका है, मैं इस पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगा, और बाकी दो जो सीरीज आपने पढ़नी है 5.1 के अंदर, उन पे भी ये तरीका अप्लाई करके दिखाऊंगा। अभी मेरा काम था नोटेशन क्लियर करना, मेरा दोनों नोटेशन जो है वो आपको क्लियर करके दिखा दिया। ठीक है, अच्छा बाजू, एक फॉर्मूला है, आप लोग बेसिकली तीन सीरीज के बारे में पढ़ोगे 5.1 के अंदर, वो ये है कि 1+2+3 अप टू एन टर्म्स तक। इसका फॉर्मूला जो है वो ये वाला है। अभी कैसे आया ये जरा आप इलाज करोगे। इसी तरह दूसरी सीरीज है 1+2+3 अप टू आपने जाना है एन के स्क्वायर तक। इसका फॉर्मूला ये वाला है। और तीसरी आप लोगों ने पढ़नी है 1³, 2³, 3³ अब तो आपने जाना है एन के क्यूब। और इसका फॉर्मूला है सिंपल एन, एंड जो पहले वाला फॉर्मूला है ना उसका स्क्वायर कर दो बस, ये फॉर्मूला। तो अब सवाल ये कि पहला वाला फॉर्मूला तो आप कहोगे चलो सर मैं अरिथमेटिक से निकाल लूंगा, मेरा सवाल है कि बाकी दो फॉर्मूले आप कैसे निकालोगे। ये जो बाकी दो फॉर्मूले की आपको राइट हैंड साइड में सम का फॉर्मूला नजर आ रहा है, आपने कैसे निकाला, ये इसी मेथड से आपने निकाला है, वरना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसे आगे भी आप जा सकते हो, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4। मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिस फॉर्मूले से आपने तीनों प्रूफ किए हैं, वो फॉर्मूले के अंदर आप जो चीज प्रूफ करना चाह रहे हो एन की कोई भी पावर यहाँ पे होगी वो आपको फॉर्मूला दे देगा। वर्किंग थोड़ी मुश्किल हो जाएगी लेकिन फॉर्मूला आपको दे देगा। तो कैसे प्रूफ किया, एक बेसिक सा फॉर्मूला जो आप, अच्छा एक चीज मैं पहले बता दूं, मैथ के अंदर मैंने आप लोगों को पहले भी बात बताई थी, एक वर्ड होता है ऑपरेटर का। ऑपरेटर होता है जैसे आप ऑपरेशन करवाने जाते हो तो जो डॉक्टर है ऑपरेटर बोलते हैं ना उसको,
ऑपरेट कर रहा है आपके ऊपर, वो जिस तरीके से भी ऑपरेशन कर रहा है। मैथ के अंदर ऑपरेटर होते हैं, एडिशन का ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर, इसी तरीके से भी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर देखे थे, लॉगरिथमिक ऑपरेटर होता है। आप दोनों तरफ लॉग ले रहे होते हो, तो कहने का मतलब डिफरेंट ऑपरेटर मौजूद होते हैं। इसी तरह जो सिग्मा है ये भी एक ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर का मकसद क्या होता है? ऐड करना। अगर आपने इस ऑपरेटर को जनरल टर्म दी, आपने इस ऑपरेटर को लिमिट दी, तो ये इस लिमिट से लेके उस लिमिट तक जितनी भी जनरल टर्म है उसमें वैल्यूज पुट करेगा और सब टर्म को ऐड कर देगा। ये इस ऑपरेटर का काम होता है। अच्छा बाय द वे, आप यहाँ पे नेगेटिव भी पुट कर सकते हो। आप लोगों के लेवल पे चीज नजर नहीं आएगी, सिग्मा नोटेशन में जरूरी नहीं कि आपने 1 से स्टार्ट करना है। आप इसको -5 से भी स्टार्ट कर सकते हो। -5 से स्टार्ट करें, सबसे पहले -5 पुट करेगा, फिर -4 पुट करेगा, फिर -3, 1 ऐड करते जाओ, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, इस तरह करता रहेगा। आप लोगों के लेवल पे नेगेटिव का कॉन्सेप्ट बनता नहीं है, क्योंकि एन जो है वो आप नेचुरली देते हो। लेकिन इन फ्यूचर जाके कुछ ऐसी भी आपके पास चीजों को ऐड करना होगा जिसमें एन नेगेटिव भी हो सकता है, तो जरा तैयार रहना कि नेगेटिव भी आ सकता है इसके अंदर। बस सिग्मा नोटेशन की बात क्या होती है, एक का जंप मारता है। अगर आपने -5 से स्टार्ट किया तो अब ये 1 का जंप मारेगा, -4 पे आएगा, फिर -3 पे आएगा, फिर -2 पे आएगा, ये इसका मतलब होता है। तो खैर ऑपरेटर जो है ना, मैंने बताया था ऑपरेटर होते हैं जिनको आप कहते हो लीनियर ऑपरेटर। ये लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? लीनियर ऑपरेटर की दो बातें होती हैं। जैसे मैं एक बात करूं, लीनियर ऑपरेटर आपने अभी तक कौन सा पढ़ा है? आप लोगों के लेवल मैंने अभी तक देखा है नहीं कोई। फर्स्ट ईयर लेवल पर ट्रिग्नोमेट्रिक कोई नहीं है, मैट्रिसेस में भी कोई नहीं नजर आया था। ये पहला मेरे ख्याल में ऑपरेटर है, मेरे जहन में भी आने का शायद कोई हो जो लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर की खासियत क्या, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपके पास सिग्मा लिखा आ रहा है ना कभी, और यहाँ पे लिखा आ रहा है 2k+1, तो लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? अगर आप लीनियर ऑपरेटर को, जो आपने इनपुट दिया यहाँ पे, आपका इनपुट क्या है, जनरल टर्म आपने क्या दिया, 2k+1 दिया, तो लीनियर ऑपरेटर क्या करता है, वो दोनों टर्म पे अप्लाई होता है अलग अलग। ये लीनियर ऑपरेटर जो है ये पहले 2k पे भी अप्लाई होगा, ठीक है, प्लस ये लीनियर ऑपरेटर 1 पे भी अप्लाई होगा। तो जो लीनियर ऑपरेटर होते हैं ना, वो इस तरह दोनों अलग अलग टर्म पे अप्लाई हो जाते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई कोएफिशिएंट मौजूद है तो लीनियर ऑपरेटर कहता है उस कोएफिशिएंट को बाहर निकाल दो, इस तरीके से। तो ये दो प्रॉपर्टी होती है जो आपको लीनियर ऑपरेटर में नजर आती है। कोई फर्स्ट ईयर का टॉपिक नहीं है, मैंने मास्टर्स में सीखी है बात जाके, अफसोस वाली बात है, लेकिन मास्टर में सीखी है बात जाके, लीनियर ऑपरेटर की ये खासियत होती है, तो ये इनकी वे प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक था, ट्रिग्नोमेट्रिक लीनियर नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूं कि sin 2x + y, तो कभी आपने इस तरह नहीं किया होगा, sin 2x + sin y, और नेक्स्ट टाइम पे आप बोलोगे सर इस 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, नहीं, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती कोई ट्रिग्नोमेट्रिक की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर लीनियर नहीं होते, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जो आपका सिग्मा है वो लीनियर है, उसमें आप दोनों पे अप्लाई भी कर सकते हो और जो कोएफिशिएंट है उसको ऑपरेटर से बाहर भी कर सकते हो। ये दो खासियत होती है लीनियर ऑपरेटर की, तो ये आपको सिग्मा के बारे में पता होना चाहिए। अब आज ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके तहत आप ये प्रूफ करोगे? वो फॉर्मूला मैं इसलिए प्रूफ करवा रहा हूं, ये सब इसलिए करवा रहा हूं ताकि इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी। क्वेश्चन में इसी टाइप के सवाल है जिनको आपको सॉल्व करना होगा, वरना नॉर्मली मैं प्रूफ करवाता नहीं हूं, वजह ये है कि क्वेश्चन में काफी हेल्प मिलेगी। फॉर्मूला ये वाला है, फॉर्मूला है भाई k^(m) - k-1)^m, ठीक है, और k स्टार्ट कहां से हो रहा है, k स्टार्ट हो रहा है 1 से और n पे जा रहा है, इसका ये फॉर्मूला होता है। मैं गलत तो नहीं हूं? हाँ, ये वाला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला प्रूफ करने का सिंपल तरीका क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर है पूरी इसके। क्या मतलब इसका? कि आप लेफ्ट हैंड साइड में ना वैल्यूज पुट करते जाओ, ये जनरल टर्म है ना, आप सबसे पहले क्या पुट करोगे, k की जगह 1 पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर n। इसी तरह आप यहां पे पुट करोगे k की जगह 1, 1 - 1 क्या होता है, 0, ये हो जाएगा 0 की पावर n। सिंपल लैंग्वेज में इस तरह लिख सकते हैं। तो जब आप k की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, आपको ये आंसर मिल रहा है। सिग्मा नोटेशन क्या करता है, सबसे पहले 1 पुट करता है, जो आंसर आया उसके अंदर ऐड करता है, क्या, k की जगह 2 पुट करो आप। जब k की जगह 2 पुट करोगे क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, माइनस यहां पे k की जगह 2 पुट करोगे, 2 - 1 होता है, ये हो जाएगा 1 की पावर n, और इस तरह आप चलते जाओ। फिर क्या करेगा ये, k की जगह 3 पुट करेगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर m, माइनस यहाँ पे 3 पुट करोगे, 3 - 1 - 2, ये हो जाएगा 2 की पावर n, और सॉरी क्या कहते हैं, नहीं सही, बिल्कुल ठीक है। और ये चीज आपने चलती जानी है, मतलब k की वैल्यू आप पुट करते जाओ, k की वैल्यू 1 पुट की, k की वैल्यू 2, k की वैल्यू 3, और ये आपने कहां तक जाना है, आपने n तक जाना है। मतलब अब आप k की जगह आखिर में क्या पुट करोगे, n पुट करोगे, मतलब आपने k की जगह यहाँ पे पुट किया n की पावर n, माइनस यहाँ पे जब k की जगह n पुट करोगे हो जाएगा n - 1 की पावर n,
अब मैं यहां से आप लोगों को दिखाना क्या चाह रहा हूं, जरा उसको समझ लेते। आपने बस के की वैल्यूज पुट करते जाना है और ये आपके पास के की वैल्यू 1 पे 2 पे 3 पे और ये मैंने बिल्कुल आखिरी पुट किया। अब मैं क्या यहां पर बताना चाह रहा हूं कि ऐसी स्पेसिफिक किस्म की सीरीज है जिसमें सारी टर्म्स आपस में कैंसिल होती जा रही है एक टर्म के अलावा, बाकी सारी कैंसिल हो जाएंगी। कैसे? आपको नजर भी आ रहा है 1 की पावर m माइनस 1 की पावर m, ये कैंसिल हो जाएंगे। 0 तो वैसे हटा दो ना, 0 की तो काट देंगे। 2 की पावर m और माइनस 2 की पावर m, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये जो 3 की पावर m है ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो इससे अगली टर्म होगी ना वो ये होगी, इससे अगली टर्म होगी 4 की पावर m माइनस 3 की पावर m, तो ये 3 की पावर m कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 4 की पावर m अगली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे ऊपर जितनी भी टर्म्स देखी मैंने सारी कैंसिल होती जा रही है, कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। बात कहां तक आ जाएगी, ये आखिरी टर्म है, ये n टर्म थी ना, इसको आखिरी n टर्म कहेंगे। समझाने के लिए मैं इससे पहले वाली टर्म आपको बताता हूँ। देखो आखिरी टर्म है n टर्म, इससे जो पहले वाली टर्म होगी वो n माइनस 1 होगी। लॉजिकल है ना, अगर n यहाँ पे 50 है तो 50 से पहले वाली टर्म क्या होगी 49। तो वही चीज है, अगर आखिरी टर्म यहाँ पे n है तो उससे पहले वाली टर्म क्या होगी n माइनस 1। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे n माइनस 1 पुट करते हैं तो आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। k की जगह n माइनस 1 पुट करो, यहां पे जब n माइनस 1 पुट करोगे तो n माइनस 2 हो जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये पैटर्न कैंसिल होता जाएगा, ये जो माइनस n माइनस 2 की पावर m है ना, ये पीछे कोई चीज आ रही होगी उससे कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको एक और पीछे टर्म लिखोगे ना n माइनस 2 टर्म लिखोगे, देखना ये वाली चीज उससे कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। तो कहने का मतलब इस सीरीज के अंदर हर चीज कैंसिल हो रही है, सिर्फ एक टर्म कैंसिल नहीं होगी वो ये वाली, बाकी हर टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई जो पूरी चीज है ना, अगर आप 1 से लेके n तक जा रहे हो तो इस पूरी चीज का आंसर होगा n की पावर m। और ये बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाएगा आपसे। कैसे? सिंपल, आपको सवाल दिया जाएगा k की वैल्यू 1 से लेके आप 5 पुट कर रहे हो, फॉर्मूला क्या है? k की पावर 2 या चलो k की पावर 3 कर देंगे माइनस k माइनस 1 की पावर 3, ये फॉर्मूला देंगे, बोलेंगे आंसर बताओ इसका। और जो हमारा भोला बच्चा वो कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन सिंपल इसका आंसर क्या है, इसका आंसर पैटर्न जरा देख लो ना, k और k माइनस 1 की सेम पावर होगी, दरमियान में नेगेटिव होगा, यहां पे भी नेगेटिव होगा। तो इस पूरी चीज का आंसर क्या है? n की पावर m के। अब सवाल ये n और m क्या होते हैं भाई, n आपको मिलेगा यहां से, ये चीज जो होती है n होती है, तो n यहां पे क्या 5, और m आपको कहां से मिलेगा जो इनकी पावर है, इनकी पावर क्या 3 के बराबर, तो 5 की पावर 3 क्या होता है 125। ये एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन, क्या आपको इस टाइप का सवाल दे देंगे और बोलेंगे आंसर बताओ, अगर आपको नहीं आता तो एक मार्क गया आपका। तो ये वो बेसिक फॉर्मूला है जहां से हम प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, ये n की पावर m कहां से आया, कि हर चीज कैंसिल हो गई, पीछे ये आपके पास बचेगा। अब इस फॉर्मूले में करना है क्या, हमें m की जगह पे ना वैल्यूज डिफरेंट पुट करनी है, क्योंकि नॉर्मली देखो हम 1 से लेके n टर्म तक निकालते हैं। अगर आप इन सब टर्म में देखो ना, पहली टर्म से लेके n टर्म्स तक है, यहाँ पे कहीं स्पेसिफाई नहीं किया ये n क्या है, ये n 5 भी हो सकता है, ये n 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस जनरलाइज बोला हुआ है कि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म अप टू n टर्म तक। सिंपल ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है। तो हम n को तो ऐसे रहने, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, 1 से लेके n टर्म तक ही हम निकालना चाह रहे हैं फॉर्मूला, तो वैसे ही रहने देते हैं। सवाल ये कि m की वैल्यूज आपने पुट करनी है डिफरेंट, और आपके पास डिफरेंट फॉर्मूले प्रूव होते जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक डिस्कस करते हैं, आप m की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करोगे, जब m की जगह पे 1 पुट करोगे तो पीछे रिजल्ट क्या आएगा, के 1 से लेके n, m की जगह 1 पुट करो k हो जाएगा, यहां पे भी m की जगह 1 पुट करो सिंपल k माइनस 1 बन जाएगा, k से माइनस k कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव 1, तो सिंपल आपकी वाली सिचुएशन बनेगी, सिंपल एक 1 बन जाएगा। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझो, जब आपने सिग्मा नोटेशन के अंदर जो आपकी जनरल टर्म है उसके अंदर वेरिएबल ही नहीं आ रहा, आप इसमें देखो वेरिएबल ही नहीं आ रहा, तो अब इसका आंसर क्या होगा, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं आंसर बाद में देखते हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हो, 1 के साथ n लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लिखा हुआ आपको नजर नहीं आ रहा, लिखा हुआ तो है आपको नजर नहीं आ रहा, एज्यूम कर लो उसकी पावर 0। तो आप जब सबसे पहले क्या करोगे, मतलब यहाँ पे नोटेशन k वाली है ना, तो k की पावर 0, तो आप क्या करोगे यहाँ पे सबसे पहले k की जगह 1 पुट करोगे, कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि 1 की पावर 0 1 ही होती है, पीछे आंसर आपके पास क्या बचेगा 1 बचेगा। आप यहाँ पे k की जगह 2 पुट करोगे, 2 की पावर 0 भी 1 होती है, आंसर पीछे 1 ही बच जाएगा, दोबारा 1 में ऐड कर दोगे। इसी तरह k की जगह 3 पुट करोगे, 3 की पावर भी 0 होती है, 1 आंसर आएगा, तो दोबारा 1 आएगा। तो कहने का मतलब जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट लिखा है ना और उसके साथ वेरिएबल नहीं आ रहा, इसका मतलब बार बार आप उसी कांस्टेंट को ऐड करते जाओगे,
और ये काम आपने कब तक करना है, जितनी आपके पास नंबर ऑफ ट्रम्प है, मतलब ये काम आपने एंड ट्रम्प तक करना है, ये काम करते जाओगे आप एंड ट्रम्प तक। अब मैं कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल देता हूँ, इस सवाल में तो खैर डिफरेंट है, मैं पहले कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एमसीक्यूज में ये चीज आपसे बोलते हैं, वेरिएबल शायद एन रखते हैं यहाँ पे और बोलेंगे ये, तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, वन से लेके फाइव और जनरल टर्म वन है। आप बताओ क्या होगा, एक्सेलेंट, टेन होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप सबसे पहले एन की जगह वन पुट करोगे आंसर टू ही आएगा, एन की जगह टू पुट करोगे आंसर टू आएगा, एन की जगह थ्री पुट करोगे टू आएगा, फोर पुट करोगे टू आएगा, फाइव पुट करोगे टू आएगा। कहने का मतलब पांच दफा आपने टू को ऐड कर दिया, पांच दफा टू को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, टेन आएगा। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है और जो इधर लिखा हुआ है उनको मल्टीप्लाई कर दो, पांच दफा टू को ऐड करने का मतलब पांच मल्टीप्लाई टू, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अगर पेपर में एमसीक्यूज आ जाए कि फॉर एग्जाम्पल जनरल टर्म है 20 और आपने जाना है 10 टर्म तक, अब हमारा भोला बच्चा 20 को 10 दफा ऐड करेगा फिर बोलेगा 200 आंसर है, नहीं डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट किस तरीके से 10 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो आंसर क्या हो जाएगा सिंपल 200 के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये चीज उसी वक्त वैलिड है जब एन वन से स्टार्ट हो रहा है, अगर यहाँ पे आ जाए पेपर में एन स्टार्ट जो हो रहा है वो 7 से हो रहा है तो अब कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाएगा ना। अब कॉन्सेप्ट क्या होगा, सबसे पहले आप 7 पुट करोगे आंसर तो 20 आएगा, फिर आप 8 पुट करोगे 20 आएगा, आप 9 पुट करोगे 20 आएगा, और फिर आप 10 पुट करोगे 20 आएगा, तो इस केस में आंसर आपका 80 है। तो ये मल्टीप्लाई वाली टेक्निक वहां पे काम आएगी जब आप 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये बेसिक सी बात आपको बता दी जाए। तो अगर मैं आपको बोलूं ये हमारे पास आंसर आया था ना, ये चीज बची थी नीचे, बाकी कैंसिल हो गई थी, ये बचा था। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग सिंपल क्या बोलोगे, सर 1 से स्टार्ट हो रहा है ना तो डायरेक्ट एन को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, आंसर क्या आएगा सिंपल एन के बराबर आएगा। इसका मतलब अगर आपके पास एक ऐसी सीरीज है जिसके सारी टर्म्स 1 है तो उसको जब ऐड करोगे तो सम का फॉर्मूला क्या आएगा, सम का फॉर्मूला एन आएगा। अब जरा सम के फॉर्मूले को समझते हैं, इस सीरीज की अगर बात की जाए सारी टर्म 1 है तो एन का फॉर्मूले का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि यार 10 टर्म तक सम निकालो तो आप क्या बोलोगे, इसका 10 टर्म का सम जो है वो 10 के बराबर ही है। जो नंबर ऑफ टर्म आपको बोली गई है इसकी 20 टर्म तक सम निकालो तो आंसर भी 20 होगा, सही है। तो सिंपल 1 का अगर आप 1 से लेके एन तक ऐड करोगे तो रिजल्ट में एन ही आएगा, सिंपल आपने एन को 1 से मल्टीप्लाई कर, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आपका एन 5 होगा तो आंसर 5 आएगा, एन 10 होगा तो आंसर 10 आएगा। तो जब एन की वैल्यू आपने 1 पुट की तो ये आपके पास फॉर्मूला आया है, इसको अपने पास नोट कर लो, ये बाकी फॉर्मूला में आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। अब एन की जगह पे 2 पुट करते हैं, पुट करो एन की जगह पे 2, तो अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, के तो अभी भी 1 से लेके एन है, फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे पुट करो ये हो जाएगा के स्क्वायर के माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जरा इसको समझते हैं ये चीज किसके बराबर होगी, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच रहा है आपके पास, जस्ट 2k माइनस 1 बच रहा है। तो ये पूरी चीज किसके बराबर होगी, जब आपने m की जगह 2 पुट किया तो ये पूरी चीज बराबर होगी 2k माइनस 1 के, ठीक है। तो आपको पता है इतना फॉर्मूला है ना, इसमें जब आप m की जगह पे, अच्छा इसको वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने पूरी चीज आपके सामने प्रूफ की है ये इसके बराबर है, इसको अगर आप लेफ्ट और राइट लेके समझो तब भी आप समझ सकते हो इस बात को। मतलब ये फॉर्मूला था ना, इसमें m की जगह आपने 1 पुट किया था तो यहाँ पे भी m की जगह 1 पुट कर दो तो ये पूरी चीज जो है किसके बराबर होगी, जब m की जगह 1 पुट करोगे तो आंसर सिंपल n आ जाएगा, इस तरह भी आप इस बात को समझ सकते हो। सेम आपने सवाल में क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने m की जगह पे 2 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी ये हो गई है, जब आपने 2 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी सिंपलीफाई हो गई, जबकि राइट हैंड साइड में m जब पुट करोगे तो आंसर क्या होगा, n स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला लेफ्ट और राइट दोनों है ना इसकी आपस में बराबर है, तो आपने क्या किया इसमें m की जगह 2 पुट कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी ये हो गई और राइट हैंड साइड क्या होगी ये वाली। अब आपने इसको किसी तरह सॉल्व करना है और यहाँ पे अपना आंसर निकालना है। सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 2 टर्म्स हो तो सिग्मा दोनों टर्म्स पे अप्लाई होता है और जो कोफिशिएंट है उसको आप सिग्मा से बाहर कर देते हो, तो जब दोनों टर्म पे अप्लाई करोगे और कोफिशिएंट को बाहर करोगे तो ये सिचुएशन है, ये पहले टर्म पे आपने अप्लाई कर दिया, अभी सिग्मा को माइनस 1 पे अप्लाई करो इक्वल टू एन स्क्वायर, ये सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। तो आपने क्या किया स्टेप में सिग्मा जो है वो दोनों टर्म पे अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे बेसिकली आपको बच्चों ये वाला फॉर्मूला चाहिए,
अगर आप देखो आप प्रूफ कर रहे हो पहला वाला फॉर्मूला, इस पहले वाले फॉर्मूले की जनरल टर्म क्या थी, सिंपल एन के बराबर थी, मतलब के बराबर है, वन से लेके एन टर्म तक आप जा रहे थे और इसकी जनरल टर्म क्या है, सिंपल के बराबर है, तो आपको इसका फॉर्मूला निकालना है। तो ये चीज आप निकालना चाह रहे हो, बाकी चीजों को आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल ये जो पूरी चीज है यहाँ पे नेगेटिव हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी। सही, सबसे पहली बात ये है किस चीज के बराबर, ये आपने अभी निकाला था कि ये चीज एन के बराबर है, तो जब आप इस माइनस एन को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एन हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये चीज मौजूद है। फिर आप क्या करो, एन कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एन प्लस वन, ठीक है, और ये जो टू है ना जो मल्टीप्लाई है वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा के इक्वल टू वन से लेके एन, के का फॉर्मूला क्या है, इसके बराबर हो जाएगा। तो जो पहला वाला फॉर्मूला है वो आपका प्रूव हो गया। जरा गौर से समझो, इसको आप बोलते हो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, वन टू थ्री अप टू एन टर्म्स तक आपने जाना है, तो ये पूरा सम का फॉर्मूला क्या होगा, इसके बराबर होगा। अब आप एन की जगह यहाँ पे अगर टू पुट करोगे तो शुरू की दो टर्म का सम आ जाएगा, फाइव पुट करोगे शुरू की पांच टर्म का सम आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला हमारा प्रूव हो गया, ये फॉर्मूला हम मैथमेटिक्स से भी प्रूव कर सकते थे, हमने यहां से प्रूव कर लिया। बाकी जो दो फॉर्मूले हैं वो मैथमेटिक्स से नहीं होंगे, वो इसी से ही होंगे। तो यहां तक बताओ कोई इश्यू है, अगर नहीं है तो फिर जो बाकी दो मुश्किल वाले उन पे आते हैं। और ये आपकी क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन जब आप देखोगे ना इसी टाइप के फंक्शंस होते हैं जिन पे आप सिग्मा बार बार अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इसलिए अगर आपने यहाँ पे सीख लिया तो आप लोगों को वहां पे मसला नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरा फॉर्मूला कैसे प्रूव होगा, सिंपल आप एम की जगह पे यहाँ पे थ्री पुट करोगे तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एम की जगह थ्री पुट करोगे उधर के क्यूब के माइनस वन का क्यूब, यहाँ पे m की जगह थ्री पुट करोगे तो ये एन क्यूब हो जाएगा। सही, अच्छा अब सवाल लेके पहले इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या होगा के क्यूब अपनी जगह पे, इसको जरा सिंप्लीफाई करो, a माइनस की होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, तो के क्यूब माइनस थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री के माइनस वन, ये a माइनस के होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाए ये सिचुएशन हुई, के क्यूब से माइनस के क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो अब पीछे सिंपल क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं कि थ्री के स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस वन इज इक्वल टू एन क्यूब। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बता दूं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि दो नोटेशन यूज होती है, आप ये वाली भी यूज कर सकते हो कि वन से लेके एन तक, और जो आपका जनरल टर्म है वो के की फॉर्म में होगा। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अब ये इजी है थोड़ा, इसमें आप देखो चीजें एलिमिनेट हो गई हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने वन से लेके एन वाली चीज हटा दी है, बाय डिफॉल्ट इस चीज का मतलब क्या, वन से लेके एन, तो जब वन से लेके एन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब मुझे के की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे के का मकसद मैंने पहले क्लियर कर दिया था, के का मकसद उस वक्त यूज होता था जब ऊपर एन टर्म्स है, तो अगर आप यहाँ पे एन लिखोगे तो मजा नहीं आएगा आपका। तो जब आपने यहाँ से एन हटा दिया इस नोटेशन में, आपको एन नजर नहीं आ रहा, तो के का भी कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो आपने k को यहां से एलिमिनेट कर देना है। सिंपल आपका जो सवाल है वो n की फॉर्म में होगा, और ये चीज ऊपर कर सकते थे, जो आपने ऊपर किया ना वन से लेके n, आप इसी स्टेप में इन दोनों चीजों का ना लिखते हैं और ये पूरी चीज n की फॉर्म में लिखते हैं, किसी ने आपको रोकना नहीं है। मतलब ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये जबरदस्ती है फॉर्मूला k की फॉर्म में, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये देखो सिंपल फॉर्मूला है, कहीं k नजर नहीं आ रहा आपको, कहीं लिमिट नहीं है वन से लेके एन, के को हटा दिया आपने, जैसे आप वन से लेके एन हटा दोगे तो के का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, के हट गया, के की जगह पे आपने एन लिख दिया। सेम ये फॉर्मूला इस तरह लिख सकते हो आप, लेकिन इसमें आपको फिर पता होना चाहिए कि स्टार्ट आपने क्या करना है, वन से स्टार्ट करना है, तो आप एन की जगह सबसे पहले वन पुट करोगे, फिर एन की जगह टू पुट करोगे, ये आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये चीज मैंने इसलिए करवाई है क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो ये चीज करवाऊंगा, क्योंकि हैंडल करना थोड़ा ईजी होता है, इसमें के एलिमिनेट हो जाते हैं, आपको मसले नहीं होते। तो नेक्स्ट दफा हम ये वाली यूज करेंगे तो कंफ्यूज भी होना इस बात पे कि के काम चला गया क्या सारा काम। तो लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो गया, और राइट हैंड साइड में तो एम की जगह आपने थ्री पुट किया, वो आपने चला। अब अगेन वही जो मैंने बात बोली है कि सिग्मा जो है वो लीनियर ऑपरेटर है, आप तीनों टर्म्स को अलग अलग अप्लाई करोगे, जो कोफिशिएंट है उनको बाहर कर दोगे, तो सिचुएशन क्या बनेगी, सबसे पहले थ्री बाहर हो गया एन स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस थ्री बाहर हो गया एन, फिर सिग्मा जो है सिंपल क्या हो जाएगा, वन पे अप्लाई हो जाएगा, ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे निकालना आप क्या चाह रहे हो, अगर आप गौर करो ये चीज निकालना चाह रहे हो,
क्योंकि आपने इस सीरीज का फॉर्मुला निकाला ना, इस सीरीज के जनरल टर्म क्या है, इस सीरीज की जनरल टर्म है एन स्क्वायर, तो ये एन स्क्वायर ही जनरल टर्म लिखी हुई है ना। तो हकीकत में आप एन स्क्वायर जो सीरीज है ना जिसकी जनरल टर्म एन स्क्वायर है उसके सम का फॉर्मुला निकालना चाह रहे हो, मतलब ये आपका अननोन है, ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो बाकी चीजें जो है उनको आप राइट हैंड साइड पे ले जाओगे, लेकिन सवाल ये कि बाकी चीजें हैं किसके बराबर, उसको जरा देख लेते हैं। ये पूरी चीज आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, एन के बराबर होती है, इस पूरी सीरीज का सम एन होता है। ये चीज आपने अभी पढ़ी है, ये पहली सीरीज जो आपके सामने लिखी हुई है, इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू। तो ये दोनों चीजें हमने क्या करनी है, राइट हैंड साइड पे ले जानी है। तो जब मैं लेके दिखाता हूं आप लोगों को, लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये बचेगा, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ये एन क्यूब अपनी जगह पे, ये वाला एन इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाली माइनस थ्री था ना, माइनस थ्री और ये पूरी चीज ये उधर आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव थ्री, और पूरा फॉर्मूला ले दो। ये कॉन्सेप्ट है। अब वक्त आगे क्या, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब एन क्यूब है, माइनस एन है और ये पूरी चीज है। अब इतना एलसीएम लेना आपको इस लेवल पे आना चाहिए, बहुत दफा हमने बेसिक कंफ्यूजन की हुई है। ये टू जो है ये एन क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, टू एन क्यूब, ये टू जो है ये माइनस एन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस टू एन, और इधर थ्री एन को बस सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा थ्री एन स्क्वायर, थ्री एन को वन से करो थ्री एन, और नीचे एलसीएम क्या है, सिंपल टू के बराबर हो जाएगा। अब इतना एलसीएम आपको आना चाहिए, अगर बाद में अगर मसला हो रहा हो तो बाद में उसे पूछना, अभी मैं टाइम जाया नहीं करना चाहता। अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ये चीज आपको निकालनी है, थ्री आपके काम का देंगे, थ्री को जाके वहां डिवाइड करवा देते हैं, क्या हो जाएगा सिक्स। अभी आप समझ रहे हो कि नेक्स्ट स्टेप की वर्किंग है, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो थ्री आ रहा था मैंने नीचे, यहाँ पे टू था, टू थ्री से मल्टीप्लाई होगा सिक्स हो जाएगा। अब बस आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई किस तरह करोगे, ये थ्री एन और माइनस टू सिंपल एन हो जाएगा, पीछे आपके वहां बचेगा टू एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर और सिंपल एन हो जाएगा, ये बचेगा ना। आप इससे क्या करो, आप इससे n कॉमन ले लो, जब n कॉमन लोगे ये होगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये सिचुएशन बनेगी। आप देखो यही वाला फॉर्मूला आ गया, n भी आपके पास आ गया, 6 भी आ गया। फर्क ये कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ना, इसके मिडिल टर्म ब्रेक करना, इसको सॉल्व करना, देखना ये दो फैक्टर बन रहे होंगे, ये काम आप लोगों का है। तो फाइनल स्टेप में क्या होगा, जब इस पर मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व करोगे तो एक फैक्टर आएगा एन प्लस वन, एक आएगा टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, ये बच्चों आपके पास फॉर्मूला आ गया एन स्क्वायर का। तो अब ये एक अरिथमेटिक नहीं थी, तो दैट्स व्हाई आपके पास सम का फॉर्मूला नहीं था, लेकिन आपने सिग्मा नोटेशन का इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करने के बाद आपके पास सम का फॉर्मूला आ गया, अब आपकी लाइफ आसान है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार इसमें एन की जगह आप थ्री पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, शुरू की तीन टर्म का सम क्या है यहाँ पे, वन फोर नाइन है ना, तो जब आप एड करोगे फोर्टीन, तो देखना एन की जगह आप थ्री पुट करना, आंसर फोर्टीन आ रहा होगा, क्योंकि सीरीज के आपको शुरू की तीन टर्म का सम दे रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला काफी काम का, जहां भी इस किस्म की सीरीज आएंगी आप डायरेक्ट ये फॉर्मुला अप्लाई करोगे, और ये फॉर्मुला किसने दिया, सिग्मा नोटेशन है, वरना आपको अरिथमेटिक ज्योमेट्री ने कोई फॉर्मुला नहीं दिया था इसका। इसी तरह बच्चों आप तीसरा वाला भी करोगे, अब तीसरा वाला मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएंगी और कोई खास चीज निकलेगी नहीं। ये पैटर्न आप देखते जा रहे हो कि जब भी आप सॉल्व करते हो तो इन सब चीजों का आंसर आपको पता होता है, और जो चीज आपको निकालनी होती है वो आसानी से आ जाती है। तो अगर आप यहाँ पे अगर तीसरा वाला फॉर्मुला प्रूफ करना चाह रहे हो ना, तो एम की जगह पे फोर पुट करोगे, तो अब यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा a माइनस बी की होल पावर फोर का फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, अप्लाई करके देख लेना आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। इस पूरी चीज का फॉर्मूला होगा k की पावर फोर माइनस फोर k की पावर क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वायर माइनस फोर के प्लस वन। अगर मैं गलत नहीं हूं ये फॉर्मूला है, वेरीफाई कर लेना, फिर भी गूगल से मिल जाएगा a माइनस बी की होल पावर फोर का, यही मुझे लग रहा है फॉर्मूला होगा इसका। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करना, आप ऑब्जर्व करोगे, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास चार टर्म आ जाएंगे, एक टर्म होगी वन की, एक टर्म होगी एन की, एक टर्म होगी एन स्क्वायर की जो आपने ऑलरेडी निकाल ली है, और एक टर्म होगी एन क्यूब की, जो एन क्यूब का है वो आपको निकालना होगा, बाकी एन स्क्वायर का, एन का, वन का, सबका आपको आंसर आता है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे, राइट हैंड साइड पे सॉरी, इसी तरह पूरा कैलकुलेट करोगे, एंड पे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो उसको खुद प्रूफ करना, इवन बुक वालों ने भी किया है, मेरा काम था बस समझाना। तो आई गेस दो फॉर्मुलों में आपने समझ लिया होगा प्रोसीजर क्या है, बाकी इसको अप्लाई देख लेना, हो जाएगा इंशाल्लाह, कहीं फंसो तो मुझसे पूछ लेना।